नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान से खासा नुकसान हुआ है। खास तौर पर बात की जाए तो बाड़मेर, सिरोही, जालौर और पाली जिले में ज्यादा तूफान का असर देखने को मिला है और तबाही के निशान भी यहाँ पर साफ तौर पर देखे गए हैं। सीएम अशोक गहलोत इन तीनों प्रभावित क्षेत्रों का आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने दौरा किया है। आज भी पाली में सीएम जो है जायजा लेंगे और आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है। सीएम फिलहाल जालौर में हैं, यहाँ पर वो जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के बाद सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। सुबह 11 बजे आपको बता दें कि पेपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से पाली जिले के लिए रवाना होंगे। जिले के पेपरजॉय प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद दोपहर 12 बजे पाली सर्किट हाउस पहुंचेंगे और यहां पर प्रभावित लोगों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है, जबकि 1 बजे हेलीकॉप्टर से जोधपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। पेपरजॉय की वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपको बता दें कि लगातार पेपरजॉय तूफान की वजह से जो तबाही हुई है, जो नुकसान हुए हैं, उसको लेकर जायजा ले रहे हैं और आज उनके जायजा का दौरे का जो है दूसरा दिन है। कल आपको बता दें कि 3 जिलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे। बात की जाए सिरोही की, बाड़मेर की, बाड़मेर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही बाड़मेर में उन्होंने जायजा लिया, सिरोही में आबू रोड पर उन्होंने जायजा लिया, नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो जालौर पहुंचे और अब भी मुख्यमंत्री जालौर में मौजूद हैं। यहाँ पर अधिकारियों के साथ उनकी बैठक है और उसके बाद आपको बता दें कि जनसुनवाई भी करेंगे सर्किट हाउस में, लोगों से मिलेंगे, जो प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनसे उनके समस्याओं को सुनेंगे और उनके निस्तारण के निर्देश जो है वहां पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे। और इसके बाद आपको बता दें कि सीएम का आज पाली जाने का कार्यक्रम है और पाली में भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहां पर किस तरीके का नुकसान हुआ है, किस तरीके से काम किया गया, रेस्क्यू यहां पर किए गए, उसको लेकर जानकारी अधिकारियों से लेंगे। इसके साथ ही प्रभावित लोगों से मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं उनके सामने आई, कितना नुकसान हुआ है और कैसे प्रशासन की तरफ से उन्हें रेस्क्यू किया गया, उनके लिए जो व्यवस्थाएं है वो की गई हैं। इसके बाद आपको बताया कि पाली के बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो जोधपुर के लिए रवाना होंगे। सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर की जाएगी। और जालौर में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ सीएम का कार्यक्रम चल रहा है वो जानेंगे। हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, जालौर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है, इसके साथ ही जनसुनवाई भी करेंगे, लोगों से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है। टाइमिंग की यहाँ पर बात की जाए तो अधिकारियों के साथ जो उनकी बैठक होनी है वो क्या शुरू हो चुकी है या कितनी देर में शुरू होने वाली है? अंकुर, देखिए जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, DLOs की मीटिंग होनी है, अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री उनसे सारे हालात का फीडबैक लेंगे। हालांकि कल भी जिला कलेक्टर से अलग अलग बातचीत हुई है, थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। इसके साथ में जनसुनवाई के लिए अलग अलग लोग आए हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाहते हैं, वो भी आए हुए हैं और वो भी फीडबैक देंगे यहाँ के जमीनी हालात का। हमारे साथ में श्रवण सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे बात करते हैं। श्रवण जी, जो चक्रवाती तूफान का असर रहा उसके बाद में प्रशासन की एफर्ट्स को किस तरीके से आते हैं? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत संवेदनशीलता है कि घटना होने के जस्ट 2 दिन बाद में यहाँ खुद वहाँ आगे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सब कांग्रेस के जितने भी जो वर्कर्स से कार्यकर्ता उनको भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी जो बाढ़ पीड़ित है उनसे व्यक्तिगत सबसे मिल करके उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में करें। माननीय कलेक्टर साहब वगैरह सबने अलग अलग गांवों में जो मकान गिरे वगैरह उनके सारे सर्वे वगैरह करवाना शुरू कर दिए और उन लोगों को कैसे मदद हो सकती है उसको लेकर के सीएम साहब का खास है। तो पुखराज पारासर से वगैरह सारे लोग यहाँ पे इसी बात को लिए लगे हुए हैं कि भाई उनकी कैसे बाढ़ पीड़ितों के घाव पे मरहम कैसे लगाया जाए उसको लेकर के। रतन जी, पूरे जालौर को घूमते हैं, पूरे जालौर सिरोही क्षेत्र को देखते हैं, क्या असर रहा? प्रशासन ने जो काम किए उसके बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके दौरे से प्रशासन में और ज़्यादा सक्रियता आती है और कुछ जगह हमको ये देखने को मिला कि लोगों की ज़्यादातर शिकायत ये है कि उनका मकान टूट गया। क्या इतने ज़्यादा मकान वास्तव में टूट गए? देखिए, मकानों को नुकसान निश्चित तौर पे हुआ है, पर वो उन मकानों को हुए हैं जो कच्चे बने हुए हैं,
या किसी ने जैसे तैसे कच्चा मकान बना के उसके ऊपर पथरा डाल दिया है, तो इतनी तेज बारिश और हवा की वजह से निश्चित तौर पे वो कच्चे बना हुआ मकान और जो पथरा है वो टूट नहीं है और वो सब गरीब लोगों के है, तो निश्चित तौर पे उसका नुकसान हुआ है और उसके लिए तो पूरे निर्देश भी दे दिए, तो किस प्रकार से किसको कितना नुकसान हुआ है उसका जो स्थानीय पटवारी और पूरी टीम है वो सर्वे करने में लग चुकी है। उसके अलावा कई खेतों में कई जगह जहाँ पानी ज़्यादा आया है उन्होंने उन खेतों का कटाव किया है, तो खेत टूटे भी है, तो इस प्रकार से एक या दो बड़े नुकसान ही है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो निर्देश दिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने उसके अनुसार काम शुरू भी हो गया है। जी, तूफान के जाते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आए हैं और कांग्रेस नेता अधिकारी भी उसमें दिख रहे हैं, सक्रियता दिख रही है। कल सांसद देवजी पटेल आए थे, उनकी मुलाकात हालांकि नहीं हो सकी, बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी आए और उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, वो कोई मेमोरेंडम तो नहीं लेके आए थे लेकिन वर्बली चीज़ें बताना चाहते थे। उधर जयपुर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने ये कहा कि सरकार फेल रही, बहुत अच्छा प्रबंधन नहीं हो पाया। किस रूप में देखें आप, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता होने के रूप में ही आप इसको आंकते हैं या इंडिविजुअल लोगों के बीच जाते हैं, तो आपको क्या फीडबैक मिला? देखो, मैं आपको राजनीति से ऊपर उठ के बात बता रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि सरकार फेल गई, नेता प्रतिपक्ष ने कहा हो या प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा हो, 2016-17 में इसी प्रकार की बाढ़ आई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान के अंदर, और 16-17 और राहुल गांधी जी ने हवाई सर्वे भी किया और वहाँ से 30-40 किलोमीटर गए, स्पॉट्स देखे, लोगों से मिले, कहाँ पानी का भराव। आज जो सांचौर में और पूरे उस एरिया में पानी आया वो उसी जगह से पुनः पानी वही वापस आया और उसी रूट से आया है, तो 16-17 के अंदर न तो ये लोग आए देखने के लिए जब सरकार में थे कोई भी, ना उस समय कोई मुआवजा किसी को दिया और ना ही जो डैमेजेस हुए और किस प्रकार से पानी ने नुकसान किया है उस रूट को देखते हुए भविष्य में ऐसा सामना नहीं करना पड़े उसको लेकर उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई। 18 में जब सरकार कांग्रेस की बनी, हमने 19 में इस चीज़ को रेस करके बताया कि 16-17 में ऐसा हो गया था तो कभी भी ऐसी कैलमिटी रोकने के लिए करो, पर चूंकि कोरोना आया था कुछ नहीं हुआ। अब कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ से ये पानी का शुरू हुआ मामला वहाँ आप DPR बना के उसको पूरा पक्का काम कर दो डैम बना के, तो मेरे ख्याल से ये कहना अलग बात है, अगर ऐसा होता तो 16-17 में वो खुद ही आ जाते। आप बता दो उनकी सरकार थी, कौन आया? ना चीफ मिनिस्टर आए, ना तो मंत्री आया, ना दूसरे लोकल लोग आए, प्रतिपक्ष में हम लोग थे, हम वहाँ थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, गहलोत साहब खुद आए, PCC चीफ उस समय पायलट साहब थे, गहलोत साहब ऐसे एक CM गुजरात के इंचार्ज थे वो वहाँ आए, राहुल गांधी जी आए, फिर आप बताओ कौन देखने आया, कौन सूद लेने नहीं आया। तो इनको राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा डिजास्टर होता है जो हर एक व्यक्ति को पीड़ित करता है और उसके लिए हम सबको मिलकर साथ खड़ा रहना चाहिए। एक किसानों को जो मुआवजे की बात आ रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है, उन्होंने कहा कि आपदा राहत फंड, जो आपदा का फंड होता है जिसमें मदद दी जाती है, और बीमा क्लेम जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, दोनों में से एक ही का फायदा दिया जा रहा है किसानों को, उसको नॉर्म्स में चेंज करने के लिए केंद्र सरकार को। ये मुख्यमंत्री जी ने कल भी बात कही और आपने देखा होगा कि जो आपदा मंत्री है उन्होंने भी केंद्रीय गृह मंत्री और आपदा मंत्री को जो है वो पत्र लिखा है, पत्र लिखने में उन्होंने सारे क्लॉज भी बता दिए है कि इस क्लॉज में और इसके अनुसार जो है हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, आप लोग अमेंडमेंट करो या आप लोग उसमें और रिलैक्सेशन दो, आप वो करो, तो वो तो सरकारें ऐसी चलती है, तो उन लोगों को भी इसमें बिल्कुल, तो जिस तरीके से बिपरजॉय तूफान ने तबाही बचाई है, हालांकि प्रशासन को पहले ही निर्देश यहां पर दे दिए गए थे, उसके हिसाब से जो है पूरी तरीके से इंतजाम भी किए गए थे, प्रशासन काफी जगहों पर जो है अच्छा काम किया, उसकी सराहना भी मुख्यमंत्री ने की है। शशि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, कुछ ही देर में जो है अधिकारियों के साथ बैठक यहां पर CM की शुरू होगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालौर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिपरजॉय चक्रवात से नुकसान तो हुआ लेकिन यहां की टीम ने रेस्क्यू का काम अच्छा किया है। CM ने कहा कि तूफान से पशुओं का, सड़कों का, बिजली के संसाधनों का नुकसान हुआ है, कई लोग विस्थापित भी हुए लेकिन रेस्क्यू टीम ने अच्छा काम किया है। मेरे आने का उद्देश्य ये भी था कि जाएंगे तो प्रशासन से बात भी होगी, काम में भी रफ्तार आएगी। CM ने कहा कि मैं जिला प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं कि जो विस्थापित हुए हैं उनको बसाएं और जिनके मकान में नुकसान हुआ है उन लोगों को SDRF के नॉर्म्स के तहत राहत दी जाए। CM के साथ मंत्री गोविंद मेघवाल, सुखराम विश्नोई, पुखराज पराशर, रतन देवासी समेत श्रवण सिंह और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल और पूर्व प्रमुख मंजू मेघवाल भी मौजूद रहेंगे।